हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल विपुल साइड। तो चलिए जान लेते हैं कल बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ पे वॉक कर सकते हैं। बट उसके पहले यूएस का जो डेट सेलिंग का चल रहा था ना, वो इंक्रीज हो चुके हैं, तो उसका भी कैसा इंपैक्ट पड़ा वो सब हम दो मिनट डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग पर्पज के लिए। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आएगा तो अंत तक जरूर देखिएगा। अभी देखिए क्या हुआ है कि डेट सेलिंग बढ़ा है, यूएस का जो डेट सेलिंग था, हम सबको पता है कि डेट सेलिंग बढ़ा है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं ना। डेट सेलिंग बढ़ा दिया है, जो रेट थे इसकी उन लोगों ने, मतलब जो लेवल थी वो उन लोगों ने इंक्रीज कर दी। अभी इसमें हुआ क्या, देखो इन लोग के लिए तो ये पॉजिटिव रहा यूएस के लिए, बट इंडिया के लिए हमारा मार्केट क्यों गिर गया भाई, जब ये डेट सीलिंग बढ़ गया तो, है ना। इससे हुआ क्या एक्चुअली, देखो डेट सीलिंग बढ़ा दिया, इससे क्या होगा, अभी यूएस और कर्जा लेगा, ठीक है। सो इससे हुआ क्या, मार्केट में अगर यूएस कर्जा लेगा, मार्केट में पैसा आएगा, ठीक है, मार्केट में आएगा पैसा। तो अभी होगा क्या भैया, जब मार्केट में और पैसा आएगा ना, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। यूएस का पंगा क्या चल रहा था कि भाई इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का नाटक था ना, कि यार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल में करना है, इसलिए रेट हाइक होते थे। आपको पता है रेट हाइक होते थे, ये सब चीज़ें आपने सुना होगा, यूएस के रेट हाइक हो गए, फेड ने फिर से रेट हाइक कर दिए, और अभी मार्केट ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। सो सेम वही, ठीक है, डेट सीलिंग बढ़ा दिए है, यूएस फिर से कर्जा ले सकता है, इन्फ्लेशन इसी इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा, ठीक है, इन मार्केट में पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फेड क्या करेगा, फेड फिर से रेट हाइक करेगा, फेड फिर से रेट हाइक करेगा, तो फिर से ग्लोबल मार्केट है वो नेगेटिव चला जाएगा, मतलब ग्लोबल मार्केट नेगेटिव शो करेगा, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ेगा, हमारे मार्केट पे भी, जापान के मार्केट, सब जगह के मार्केट पे, बिकॉज डॉलर इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी राइट नाउ, ओके। तो ये एक साइकिल थी, है ना, जो मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, होप्स यू गाइस आप समझ गए होंगे ना। ये ऐसे ही लर्निंग पर्पस आपको वीडियो में मिलते रहेंगे, लर्निंग चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और जो भी फाइनेंशियल मार्केट है उससे अपडेट रहने के लिए। चलिए अभी हम एक बार अपनी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। होप्स यू गाइस दिख रहा होगा मेरे पास डे टाइम फ्रेम, सॉरी ये तो 15 मिनट पे, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। अभी इसमें क्या हुआ, देखो ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा पॉइंट है, नोट में रखो, ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है। ऐसी जब 50% मार्केट विक बना दे और 50% बॉडी बना दे, तो एक कंफ्यूजिंग कैंडल हो जाती है। जब मार्केट इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है, तब हम इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे यहाँ पे, देखो मतलब ये ऐसी एक कैंडल, ठीक है, कुछ परसेंट वेक है, कुछ परसेंट बॉडी है, जरूर नहीं एकदम एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, बट ऐसी कुछ कैंडल्स ये देखो, है ना, तो इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने अपसाइड करे, तो ये ऊपर गई, तो ऐसे कुछ कुछ सेंटिमेंट्स मिल जाते हैं, है ना हमको। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट दिया फिर नीचे चला गया। अभी हुआ ये है, मार्केट प्रीवियसली बना था, मैंने आपको बताया था प्रीवियसली ये एक ऐसी कैंडल बनी, अभी इसका मार्केट ने नेगेटिव सेंटिमेंट मतलब डाउनसाइड ब्रेकआउट दे दिया है। एक चीज़, मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे भी है ना, 43,700 एक अच्छा लेवल हमारे लिए वर्क कर सकता है। अभी चलिए एक बार हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट कैसे वर्क कर सकता है। ये कुछ लेवल सा सिंपल सा, आज का देखो, आज का मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, आ रहा है ना, सबको पता है, सिंपल मार्केट नीचे आया। ये तो कोई, मैं सोच रहा था बाय करने का, बट मैंने पुट बाय नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, और जैसे ये ब्रेक किया, है ना, ये ब्रेक, ये जैसे ये वाली लेवल ब्रेक की, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की, उसके बाद मार्केट सटाक से नीचे आ गया। जब मार्केट नीचे जाता है ना भाई, तो वो फिर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट ये जो चीज़ें रहती है ना ऊपर नीचे, मैं कुछ नहीं देखता, मार्केट धड़ाधड़ नीचे चलता है। अभी मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर ये भी चीज़ बताऊंगा कि डब्ल्यू पैटर्न होता है ना, इसको आप जल्दी कैसे कैप्चर कर सकते हो। डब्ल्यू एम, हेड एंड शोल्डर, ये सब की एक ट्रिक रहती है, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियो में, बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। अभी कल फॉर एग्जांपल, कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, ये 44,000 से लेके आज के दिन का लो, आज के दिन की क्लोजिंग या लो, यहां पे ही ओपन होने के बाद अगर मार्केट 43,700, ठीक है, 43,700 थोड़ा और नीचे हो जाएगा, 43,750 ले लेते, ठीक है, 43,750 ब्रेक करेगा तो हम अपना कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नेगेटिव चला जाए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट 43,600 पे, तो कुछ पॉइंट्स हमारे लिए इनिशियल मतलब स्टार्ट ऑफ द डे में मिल सकते हैं। बाइंग करेंगे 44,000 के ऊपर ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा बैठा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे ये बैठे, क्या बोलते, कॉल राइटर्स, ये देखो 43,800 यहाँ पे, मतलब बहुत सारा इशू है, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट, कि ओआई डेटा बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो हो रहा है ना, पॉजिटिव नहीं है। सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी देख लेते हैं। सो उसके बाद अभी आपको दिख रहा होगा मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है डे टाइम फ्रेम पे। निफ्टी देखिए डे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिख रही है, जहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है हमारे लिए 18,500, ये देख सकते हैं प्रीवियसली एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ही वर्क कर रहा था, अभी अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू करता है अराउंड 18,480 के नीचे, देन हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। देखो
सेलिंग साइड में इशू बस एक चीज़ है कि मार्केट ने एक ये एट एंड ऑफ द डे जो लास्ट कैंडल रहती है वो ये बनाई थी, इसको बोलते हैं LPR। LPR मतलब लोअर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, मैं ये अभी आपको दिखा देता हूँ कैसा। ये देखिए, ये जो हमारी ई बुक है ना, इसमें सब ही दिया गया है, LPR, HPR, ये सब आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक LPR है, यही एक LPR कैंडल होती है। इससे क्या होता है, ये बताती है कि यहाँ पे जो नीचे जो बेयर्स थे ना, मतलब बेयर्स थोड़ी सी कम पड़ गए, और बुल्स ने अपनी पावर लगा के नीचे से रिजेक्शन लेके मार्केट को अपसाइड के लिए पुश किया। ठीक है, सो ये सब कुछ लर्निंग पर्पस। अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपको अपडेट कर देगी। इट इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल स्टॉक मार्केट नोट्स अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री राइट नाउ। अभी देखिए, देखते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे बैंक निफ्टी वर्क सॉरी निफ्टी वर्क कर सकता है। कल देखिए, मैं मेरे से पूछो, हम डिस्कशन करते हैं, मैं आपको बताता नहीं हूँ कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका पैसा रहना, अगर लॉस हो गया तो मैं उसके लिए नहीं आऊँगा, है ना। प्रॉफिट हुआ तो मैं वो लेने भी नहीं आऊँगा। तो मैं जस्ट डिस्कस करता हूँ, कल अगर मार्केट ये रेंज में ओपन होता है ना, तो मैं बहुत ट्राई करूँगा कि नहीं ट्रेड करूँगा इस रेंज में। क्यों नहीं करूँगा, देखो, एक तो ऊपर सबसे पहली बात 5 EMA है जस्ट बीच में, तो इतने छोटे छोटे टारगेट के लिए कोई सेंस बनेगा नहीं। अगर मार्केट को पॉजिटिव जाना है तो 18,580 या 18,600 इसके ऊपर जब मेरे को पॉजिटिव दिखेगा, उसके बाद ही मैं बाय करूंगा। देखो, पॉइंट हमको कितने ही लेने हैं, पॉइंट लेने 25, 50, 30, है ना। मतलब ऐसा बिगनर अगर आप देखोगे तो 70 मैक्स टू मैक्स। तो ऐसी जगह पे लो कि जहाँ पे शॉर्ट, मतलब आपको कन्फर्मेशन हो, है ना। ऐसा यहाँ से नहीं, यहाँ से 20 का ले लिया यार, ऊपर जाते जाते 100 का तो हो ही जाएगा भैया। 100 का ले लो, कन्फर्मेशन तो रहेगा कि यार एटलीस्ट वो 150 या 160 जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अभी देखिए, नेगेटिव कहाँ, डेफिनेटली यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया, LPR कैंडल बना दी। अब अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा, 18,480 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है, तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। क्योंकि प्रीवियसली अगर हम देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे एग्जैक्टली अभी फिर, मतलब कल भी यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, लोअर लो लगाया था, और आज भी मार्केट ने यहीं पर समथिंग लो लगाया। सो ये हमारे लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा अगर मार्केट डाउन साइड में जाना चालू करता है। मैं इस रेंज में ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूंगा निफ्टी में, ठीक है। सो होप से आप सिंपल सा लॉजिक समझ गए होंगे, है ना। मैंने बहुत ट्राई किया आपको चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हमारी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।